हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने सरकार की जारी उस अधिसूचना का संज्ञान लेते हुए उस पर कड़ा अफसोस और विरोध जताया है, जिसमें उनके संगरोध पीरियड को खत्म किया गया है। प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि सरकार को इस महामारी के समय में इस तरह के फरमान जो कि दूसरे प्रदेशों में या दूसरे बड़े शहरों में जारी हो रहे हैं उनका अनुसरण करने से बचना चाहिए। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए दुखदायी है कि सरकार 10 दिन लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी देने के बाद 7 दिन के आइसोलेशन के पीरियड को खत्म कर रही है, जो कि इस समय बहुत ही गलत निर्णय है। चिकित्सक स्टाफ, नर्सेस, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ 10 दिन एक बहुत ही बड़े वायरल लोड के वातावरण के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद उनको आइसोलेशन पीरियड जैसे ही जारी करना चाहिए जिससे पहले था। सरकार का कहना है कि इनको दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है, इसलिए अब तक काम करते रहें जब तक आपका शरीर कोरोना संक्रमित नहीं हो जाता, जो कि एक बहुत ही असहनशील और मानवीय मूल्यों के हितों के विरोधात्मक तर्क है। सरकार कहती है कि एम्स दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था है, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि एम्स दिल्ली में तो और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं अपने चिकित्सकों के लिए, तो क्या यह वह भी अपने आपने आज तक लागू करी है? एम्स स्वास्थ्य संस्थान अपने हर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को आवासीय सुविधा परिसर में उपलब्ध करवाता है, क्या हिमाचल में भी सरकार ऐसा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल वैक्सीन को कोरोना वॉरियर्स को लगी है, उनके बच्चों को या उनके घर वालों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो क्या कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को जान की कोई कीमत नहीं है? दूसरा, सरकार को हम यह बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है वह कोरोना वॉरियर्स और उनके परिवारों के सदस्यों की है। पूरे देश में आज तक 750 से ऊपर चिकित्सक और 1200 से ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे मजेदार सवाल यह है कि क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि कोरोना वायरस को वैक्सीन लगने के बाद वह कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, और हुए तो क्या उनके और उनके परिजनों का ख्याल कैसे रखा जाएगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अनुसरण करने की बात तो सरकार के ध्यान में हम लाना चाहते हैं कि एम्स में जो भी कोरोना वायरस कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं वह सिर्फ 6 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी दे रहे हैं, और एक सप्ताह में उनको सिर्फ 5 बार ही ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके बाद उनको 2 दिन का अवकाश दिया जाता है। और साथ में हम यह भी बता देते हैं कि इस समय दिल्ली में ओपीडी सर्विस बंद है, केवल टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हर समय एक चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहती है। अगर ड्यूटी पर किसी भी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को कोई समस्या हो रही है तो उसको स्थानांतरित करने के लिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जितने चिकित्सक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में है उतने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, तो इसलिए सरकार को अपने प्रदेश के हिसाब से सबको विश्वास में लेकर कोरोना वायरस के बारे में कोई नीति बनानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर इस अधिसूचना का विरोध करती है, और इस विरोध में हमारे साथ प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस रेजिडेंट डॉक्टर संघ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर इस अधिसूचना को 3 दिन के भीतर वापिस नहीं लिया जाता तो सारे प्रदेश के चिकित्सक काले बिल्ले लगाकर इसका विरोध करेंगे। यह समय महामारी का, इसलिए हम अपनी जनता को एक भी पल का कष्ट नहीं दे सकते, इसलिए सरकार इस मामले पर गंभीरतापूर्ण विचार करे, इस अधिसूचना को तुरंत वापिस लिया जाए। जी, मुद्दा बिल्कुल ये है कि इस तरह से अगर आप हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड है या जो हमारा कोविड वार्ड में जो ड्यूटी करने के बाद का जो पीरियड है उसको आप ख़त्म करेंगे और इस बेस पे ख़त्म करेंगे कि एम्स दिल्ली में जो है वो इसी तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को 2 वैक्सीन की डोज जो है पूरी लग चुकी हैं, तो अब उनको किसी तरह के जो है वो आइसोलेशन या क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से क्वारंटाइन पीरियड को रद्द करना, वो भी दूसरे बड़े देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का आप अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन अपनी स्थिति भी तो हमें देखनी पड़ेगी, प्रदेश में हमारी स्थिति क्या है।
हमारे पास कितने डॉक्टर हैं, जितने डॉक्टर्स एम्स में काम करते हैं उतने हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और सबको विश्वास में लेना चाहिए हम लोगों को कि भाई आपके लिए किस तरह से किया जाए। आप देख रहे हैं कि पिछले इतने सारे दिनों से लगातार इतने बड़े वायरल लोड के अंडर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अगर 10 दिन वो लगातार उस वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप देखिए कितना वायरल लोड है। अगर एक दूसरे के पास जरा सा मिलने से ही कोरोना अगर स्प्रेड हो रहा है तो वो तो उतना अंदर काम कर रहे हैं। और इस वायरल लोड में निश्चित ही कभी भी किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, और दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है लोगों को, दोनों डोज लगने के बाद भी मृत्यु दर है जो नोट करी गई है वो है। तो इसलिए इस तरह का निर्णय हमारे छोटे से प्रदेश में, जहाँ के पूरे एम्स में जितने डॉक्टर हैं उतने डॉक्टर हमारे प्रदेश में नहीं है, तो ये तर्कसंगत नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। और पूरा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वो भी हमारे साथ इस समय इस जो फैसले में है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको 3 दिनों के भीतर इस अधिसूचना को जो है वो रद्द किया जाए, वरना पूरे प्रदेश के डॉक्टर जो हैं वो काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। हाँ, ये महामारी का समय है, हम अपने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनको किंचित भी जरा सा भी असुविधा नहीं होने देंगे। ये हमारा उनके प्रति ये हमारी वचनबद्धता है प्रदेश की जनता के प्रति। लेकिन सरकार भी प्रदेश की सोचे कि उनकी वचनबद्धता कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या है। तो कृपया करके आप इस पे ध्यान दीजिए और हमें इस अधिसूचना को रद्द करके हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे जो स्टाफ नर्सेज हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कीजिए।